हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सभी बढ़िया है, मजे में है। चलिए बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं हमारा फोर्थ लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन। एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैंकिंग ऑफ द रोड। ठीक है, मतलब और चीज भी बताऊंगा लेकिन मेन जो चीज है वो क्या है, बैंकिंग है। अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग ऑफ द रोड मैं बात करूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, जिससे कि मैं हमारे सेशन को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट द बैंकिंग ऑफ द रोड। मतलब एक गाड़ी जब सर्कल पे चलती है तो कैसे उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। ओके, सो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आ जाएगा तुम सबको पढ़ने में। ठीक है, तो क्या सभी तैयार है बच्चों? सभी तैयार है, चलिए तो शुरू करते बच्चों। लेकिन शुरू करने से पहले अगर तुम लोगों को यार हमारे पढ़ाई हुई चीजें समझ आ रही है, सेशन में मजा आ रहा है, तो लाइक करो बच्चों, शेयर करो। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बच्चों सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के लिए तुम्हारे वो वीडियो जहां चल रही है उसके नीचे एक लाल बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पे जाके क्लिक करो, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, उसके बगल में एक बेल आइकन है, वो बेल आइकन जरूर 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 दबाना, बिकॉज वो बेल आइकन देगा तुम्हें अपडेट अबाउट द सेशंस जो यहां पे हो रहे हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस तुम लोग बच्चों हमारा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारे टेलीग्राम पे हमसे जुड़ो आके, जिससे कि तुम्हें वहां पे भी हम डेली अपडेट्स देते हैं। ठीक है, कब सेशन होगा, किसका सेशन होगा, कितने बजे उसका टाइमिंग है, फिर कुछ बच्चे डिमांड करते हैं फॉर मोर क्वेश्चंस, तो ज्यादा क्वेश्चंस और चाहिए तो हम वहां पे भी क्वेश्चंस डालते रहते हैं। तो यार हमारे टेलीग्राम पे जुड़ो हमसे आके। और टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है, तो अगेन तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जेई वाले स्टूडेंट्स और नीट वाले स्टूडेंट्स सबके लिए। ठीक है, तो यार जल्दी से जिसने अभी तक हमसे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पे, जल्दी से आ जाओ बच्चों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते बच्चों। करियर पॉइंट के जो चैनल्स है वो यही है, तीन चैनल्स है, तुम सबको पता है इन सब के बारे में, जिसको नहीं पता देख लो बच्चों। दिस इज फॉर नीट स्टूडेंट्स, फॉर जेई स्टूडेंट्स, एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अभी 8th या 9th या 10th क्लास में है, या फिर यू कैन सजेस्ट टू दोज पर्सन जो तुम्हारे छोटे भाई बहन है जो 8, 9, 10th में पढ़ते हैं, उनके लिए चैनल है। ठीक है, सो हर एक के लिए यहाँ पे चैनल्स बना रखे हमने, जिसपे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती रहेगी अबाउट दिस योर सब्जेक्ट्स। ओके, तो जल्दी से बच्चों जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। ओके, सो क्या हम स्टार्ट करें? तो स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं स्टडी मटेरियल के लिए बता रहा था तुम लोगों को, स्टडी मटेरियल के लिए है बच्चों, मैंने फिर से कहा, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि 15 सितंबर लास्ट डेट है, और इससे पहले पहले अगर तुम प्लान करते हो हमारे डीएलपी प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें तुम्हें मिलेगा हमारा स्टडी मटेरियल पैकेज, टेस्ट सीरीज या फिर हमारा रैंकर्स पैकेज, इनमें से कुछ भी अगर तुम प्लान करते हो ना, तो यू आर गेटिंग अ फ्लैट 25% डिस्काउंट। कब तक है वैलिड? 15 सितंबर तक है वैलिड है। कैसे करें सर इन्फॉर्मेशन इसकी? और तो यहां से मिलेगी बच्चों dlp.careerpoint.ac.in, यहां पे तुम्हें इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जस्ट इस साइट पे जाओ बच्चों, ठीक है, इस साइट पे जाओ, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाओ, और ये कोड यूज करो, mega25 कोड यूज करो बच्चों, जिससे तुम्हें फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलेगा इन प्रोडक्ट्स पे। ओके, तो जल्दी से कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो बच्चों आज का जो सेशन होगा दैट इज ऑल अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और आज के सेशन में हम जो शुरुआत करेंगे विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मेरे से कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? तो यार बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ठीक है, इट इज अ सूडो फोर्स। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होता है। ठीक है, अब सर ये सूडो फोर्स क्या है? तो यार सूडो फोर्स के लिए बच्चों मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब हम किसी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं या फिर किसी एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं, तो एट दैट टाइम हमें एक इमेजिनरी फोर्स फील होता है किसी ऑब्जेक्ट पे। समझ रहे हो इस बात को? सूडो फोर्स के बारे में बताया था तुम्हें मैंने जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था, तब मैंने क्या बोला था, जब हमें किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं तो हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है, तो मतलब हम देखते हैं कि यार वो ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे था लेकिन फोर्स कहाँ से आया। तो जब हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होते हैं या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, तो एट द टाइम हम एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सूडो फोर्स। तो वही चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ भी है। जब हम सर्कुलर मोशन में किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में होंगे, तो उस टाइम पे टू ऑबे द लॉज ऑफ मोशन को ऑबे करने के लिए हम एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अगेन क्या है, एक सूडो फोर्स है। ठीक है, सो सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सभी को पता है, जिस पार्टिकल को तुम ऑब्जर्व करो वो मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा जितना एक्सेलरेशन है। लेट्स सी, देखते हैं,
व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ द फोर्स दैट एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो बच्चों सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स है तो क्या होगा, हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर। अरे सूडो फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट लगता है ना, ठीक है। पार्टिकल है बाहर घूम रहा है, सुनो तो फील लेते हैं, चलो इसको जरा इसको फील लेते हैं जरा बच्चों। सो तुम्हारे लिए एक चीज लेके आया हूं मैं, ठीक है। सो वी हैव अ पार्टिकल, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमाऊं यहाँ पे, तो जब ये गोल गोल घूम रहा है तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर सर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, जल्दी बताना, क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, सेंटर पे। सेंटर क्या है, ये सर सेंटर वाला पॉइंट है, ठीक है। अब ये पार्टिकल घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, क्या उस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ये रस्सी करिए, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो इसका सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, ठीक है सर। ये बात तो हमें पता है, ये तो हमने पढ़ी हुई थी, हाँ। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, तो सुनो बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल के लिए हमने कहा कि अगर हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे होंगे, क्या ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉब है, ये बॉब दिखता है सभी को, ये बॉब क्या है बच्चों, ये गोल गोल घूम रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या है, एक्सेलरेटेड है। सभी को दिखता है एक्सेलरेटेड है ये, हाँ सर बिल्कुल। इसका एक पास एक एक्सेलरेशन है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके पास क्या है, एक एक्सेलरेशन है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अब हम क्या करते हैं, खुद को अज्यूम करते हैं इस बॉब के ऊपर, हम खुद को क्या करेंगे, इस बॉब के ऊपर अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, हम भैया एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ चुके हैं अभी, फील करो इस बात को ज़रा। हमने क्या किया, हम इस बॉब के ऊपर, हम बहुत छोटे बन गए, ठीक है। हमने क्या किया, हम बिल्कुल छोटे बन चुके हैं, और हमने अज्यूम किया कि हम इस बॉब के ऊपर ऊपर खड़े हो, ठीक है। नाउ अब ये जो बॉब है, मेटल बॉब जो है, ये अगर घूमेगा तो हम क्या है, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आए, तो यार बच्चों ये भी एक्सपीरियंस करने वाली है कि जब तुम मेले में जाते हो और किसी झूले में बैठते हो जो गोल गोल घूमता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, लगता है ऐसा। मेले में जाते हो, किसी झूले में बैठते हो जो कि ऐसे गोल गोल घूमता है, और जब तुम उस झूले में बैठोगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा कि सर हमें कोई बाहर खींच रहा है, या हमें कोई बाहर धक्का मार रहा है। तो ये क्या है बेसिकली, किसी ने सच में तुम पे फोर्स लगाया, किसी ने सच में फोर्स लगाया तुम पे कि नहीं, नहीं सर किसी ने फोर्स नहीं लगाया, वो हमें फील हुआ। और ये हमें कब फील हुआ, जब हम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में थे, जब हम एक ऐसे फ्रेम में थे जो एक्सेलरेट कर रहा था, ठीक है। तो बच्चों ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं कि हम एक फोर्स कंसिडर करते हैं, दैट इज द सूडो फोर्स बेसिकली, राइट। जैसे कि जब मैं इनर्शियल फ्रेम पे हूं, जब मैं इनर्शियल फ्रेम पे हूं जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, मेरा फ्रेम अभी रेस्ट पे है, तो मैं पार्टिकल को देखता हूं, तो मैं देखता हूं भैया कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसके ऊपर सिर्फ सिंगल फोर्स लग रहा है, दैट इज द टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा बच्चों, जब मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं, इनर्शियल फ्रेम यानी वो फ्रेम जो कि रेस्ट पे है या फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। जब मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं तो मैं इस ब्लॉक को देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि भैया इस ब्लॉक के ऊपर एक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। बिल्कुल सर सही बोले आप, राइट बात है कि अब मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर इस बॉक्स को देखूंगा, तो मैं देखूंगा कि इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। अच्छा अब मैं उठ के इस प्लेटफॉर्म पे रहता हूं, अब मैं प्लेटफॉर्म पे आया, अब मैंने बॉक्स को देखा, सो आई फाउंड ये बॉक्स बाहर भागेगा। अच्छा ये बॉक्स बाहर की तरफ जा रहा है, दैट मींस यहां पे जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ गया, क्योंकि देखो प्लेटफॉर्म घूम रहा है, ये प्लेटफॉर्म पूरा घूम रहा है, और जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगा तो मैं भी प्लेटफॉर्म के साथ घूमूंगा, दैट मींस मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या हो गया, ग्राउंड या प्लेटफॉर्म, ग्राउंड या प्लेटफॉर्म, क्या वो प्लेटफॉर्म हो गया, मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो प्लेटफॉर्म हो गया, यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बच्चों जब जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो सूडो फोर्स भी होगा, बिल्कुल सही बोल रहे सर, जब जब एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तब तब सूडो फोर्स होगा। तो बच्चों ये रहा सेंटर पॉइंट, ये डब्बा जा रहा है बाहर, कौन ले जा रहा है इसको बाहर, सर यहां से तो देखा था ये रेस्ट पे था, अंदर आते देखा ये मूव करने लग गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हुआ। तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है बेसिकली बच्चों में, ठीक है। तो बच्चों ये जो कंफ्यूजन है हमें इसको हटाना है। तो ये कंफ्यूजन कैसे आया कि सर देखो जब हम ग्राउंड पे खड़े थे तो मैंने देखा कि ये बॉक्स रेस्ट पे था, है ना, रेस्ट पे एक जगह पे रुका हुआ था और इसके साथ में यहां गोल गोल घूम रहा था, जब ये गोल गोल घूम रहा था तो इसके ऊपर एक फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा था, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और इसका पाथ कैसा था, ऐसा ये सर्कल में घूम रहा था पूरा, दिस इज द पाथ, राइट, क्लियर। अच्छा लेकिन सर जैसे ही मैं इस खुद मैं यहां से उठ के प्लेटफॉर्म पे आ गया तो मैं भी प्लेटफॉर्म के साथ घूमने लगा, तो मैंने देखा सर कि जो ब्लॉक था ये पीछे जाने लगा, इधर जा रहा था, ये क्या हो गया,
ऐसे कैसे हो गया? तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आया, जो कि प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म घूम रहा था ना, एक्सेलरेशन था, जब मैं एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आया तो मैं देखूंगा कि जो बॉक्स पहले रेस्ट पे था वो मूव करने लगा। दैट मीन्स अब इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगा, मतलब इसके ऊपर क्या लगा, सूडो फोर्स। पढ़ रहा है ना सूडो फोर्स के बारे में सभी ने? पहले क्या था, कोई फोर्स नहीं था, लॉज फॉलो हो रहे थे, ठीक है भैया, जितना बार जिसमें जो भी न्यूटन लॉज थे वो सारे एप्लीकेबल हो रहे थे, लेकिन यहां तो एप्लीकेबल नहीं हुए, तो यहां पे उनको एप्लीकेबल कराने के लिए हमने एक नए फोर्स को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द सूडो फोर्स, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। समझ आया सभी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? ठीक है, तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या फायदा मिलने वाला है हम लोगों को? तो कुछ खास फायदा नहीं है, लेकिन एक फायदा है जो कि बहुत काम आएगा। ठीक है, क्या है सर वो फायदा? तो बच्चों देखो, जब भी सेंट्रीफ्यूगल का तुम कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। याद करो लॉज ऑफ मोशन में मैंने तुम्हें एक बस वाला सीन बताया था, जिसमें एक बस में पेंडुलम लगा रखी थी और वो आगे जा रहा था, राइट? तो उसमें मैंने जब सेंट्रीफ्यूगल का कॉन्सेप्ट यूज किया था, काफी आसान हो गया था क्वेश्चन, है ना? तो वैसे ही यहां पे भी हम जब सेंट्रीफ्यूगल का यूज करेंगे ना, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस, जो मेन पर्पस है सेंट्रीफ्यूगल पढ़ने का, इज टू मेक क्वेश्चन सिंपल। ठीक है, हम चाहते हैं हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, दैट्स व्हाई हम सेंट्रीफ्यूगल पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो सेंट्रीफ्यूगल क्या है? अगेन सर, एक फोर्स जो कि इमेजिनरी फोर्स है, जो कि जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है, जो पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसके ऊपर कहां लगेगा बच्चों? वो सर पार्टिकल जो सर्कल में घूम रहा है तो इस पार्टिकल के ऊपर बाहर की तरफ, पार्टिकल के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, तुम्हारी तरफ आते हो बाहर लगेगा। क्लियर सभी को? अच्छा ठीक है सर, समझ आया सभी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो सर इसकी फिर वैल्यू कैसे निकालें? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू CF से डिनोट कर देते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हमने बोला था, जब हमने सूडो फोर्स के लिए डेफिनेशन दी थी तो हमने क्या बोला था? इट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर एम इज द मास ऑफ दिस ब्लॉक और ए क्या है बच्चों? ए किसका एक्सेलरेशन होता था? डब्बे का है हमारा सर। हम ए वो एक्सेलरेशन होता था जिस जो हम हमारे पास होता था, बेसिकली जिस फ्रेम में हम थे उसका जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे वो एक्सेलरेशन आएगा, मास जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे उसका मास आ जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी हम बोलेंगे मास इनटू ये फ्रेम का एक्सेलरेशन। बच्चों ये फ्रेम पे के पास कौन सा एक्सेलरेशन था भी? इस फ्रेम के पास कौन सा एक्सेलरेशन है जल्दी बताओ जरा, क्या इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या? सर्कल में घूम रहा है बच्चों, जो जब पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तब तब उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा? एसीपी, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या आया? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एम क्या है? एम सर इस डब्बे का मास है। जब हम फ्रेम ऑफ एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला ये बनता है। तो मास इनटू सेंट्रीपिटल इज वी स्क्वायर बाय आर। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है दैट एफ सी एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, मतलब कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आ गया? सर सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, बस जो डायरेक्शन है वो कहाँ आएगी? डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल अंदर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल इंट्रोड्यूस कब होगा? जब तुम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठोगे, जब तुम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठोगे। समझ आया सेंट्रीफ्यूगल क्या है? ज्यादा मत सोचो इसके लिए, सिंपल सी बात याद रखो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भैया वो फोर्स है जो क्या कब आता है? जब हम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा? वही जो सेंट्रीपिटल फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला जो सेंट्रीपिटल का है वही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल के लिए होगा। बस डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ। सेंट्रीपिटल कहाँ होता था? अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। लिख दूं यहां पे अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, चलिए क्या ये बात सभी को क्लियर है? सभी को चमका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में? चलो तो थोड़ा सा फील करा देता हूं तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सो हैव वी हैव अ विजुअलाइजेशन, कैसे करना है भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे फील करें सर? या देखो जरा, देखो जरा, एक बोल था, कटोरा था, उसके अंदर लिक्विड था। अब जैसे ही कटोरा गोल गोल घूमने लगा, एक मिनट, जैसे ही कटोरा गोल गोल घूमने लगा, ये पानी ऊपर आने लगा, पानी ऊपर आने लगा, दैट मीन्स पानी के ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, पानी की तरफ एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो क्या है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल वो फोर्स है जो कि इस पानी के ऊपर आ रहा है, बिकॉज अभी हम किस में बैठ के देख रहे हैं इसको,
हम कटोरे में बैठ के देख रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कटोरा होगा। समझ आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? एक ऐसा फोर्स जो कि सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। ऊपर से देख लो तो फील आ जाएगा जरा, ऐसा फोर्स जो सेंटर से बाहर 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 बाहर, बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, इधर से तुम्हें तुम्हारी तरफ आता और दिखेगा, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। ये सब डायरेक्शन किसकी है बच्चों? ये सब डायरेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल की, ठीक है। यहां से देखोगे तो सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा, सब जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। क्लियर सभी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अच्छा, तो कैसे सर क्वेश्चन को आपको आपने बोला कि क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कैसे होगा? तो कल का ही एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ फिर से, ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें टेंशन फाइंड करनी थी। सब बच्चों ने इसका आंसर दिया था, सभी बच्चों ने आंसर दिया था, ठीक है। तो जरा इसको मैं किसी और सेंट्रीफ्यूगल के कॉन्सेप्ट से फील कराता हूं तुम लोगों को कि कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व सेंट्रीफ्यूगल से। देखो बच्चों, जब मैं इस ब्लॉक की बात करूं, तो इसके ऊपर क्या होगा, मैं इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये रस्सी से बंधा हुआ था ये ब्लॉक, हैविंग द मास ऑफ 2 kg, हैविंग अ मास ऑफ 2 kg, ठीक है, और इसकी लेंथ थी 2 meter, यहां से बंधा हुआ। तो हमने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट जब आएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग उस टाइम पे? उस टाइम पे हमने क्या कहा बच्चों कि सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स था जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है, सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैल्यू कितनी होगी सर? ब्लॉक का मास इनटू कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल वाला, एसीपी। सो इट कम्स आउट टू बी 2 times ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना बच्चों? v² / r। v कितना था? 5 था। 2 × 5 का स्क्वायर अपॉन आर कितना है बच्चों? 2 है। तो इट कम्स आउट टू बी 25। सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 25 आ रहा है, अब समझना बात को। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ गया? 25 न्यूटन आ गया। बच्चों जब ये रस्सी से बांध के इसको घुमाएंगे तो जरा मुझे बताओ क्या इसके अंदर टेंशन आएगा? ऑफ कोर्स सर इसके अंदर टेंशन आएगा। क्या बाहर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा था? बिल्कुल सर। अच्छा डब्बा क्या आगे पीछे मूव कर रहा है ऐसे कि सिर्फ ऐसे इसी पाथ पे घूम रहा है? क्या डब्बा सिर्फ इसी पाथ पे घूम रहा है कि ऐसे जा रहा है, चेंज कर रहा है क्या बार बार ऐसे? नहीं कर रहा सर, वो जिस पाथ पे था उसी पाथ पे घूम रहा है। दैट मींस जितना फोर्स इधर लग रहा है उस पे उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है। तो सिंपली सर वी कैन से दैट टी इक्वल्स टू एफ सी एफ सेंट्रीफ्यूगल इक्वल्स टू 25 न्यूटन। अब तुम बोलोगे सर क्या मतलब था, वैसे भी तो आसान था, लेकिन ये अभी आसान था, ये अभी आसान था। आगे हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड और भी चीजों के बारे में जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये क्वेश्चन फिर टफ हो जाता है। तब तुम फील नहीं कर पाते कि सर कैसे अंदर लगने वाले फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बन काम करेंगे, वो फील करना थोड़ी सी टिपिकल चीज हो जाती है। तो बच्चों उसी फील को हम खत्म करेंगे और सिंपल सा एक चीज बोलेंगे कि भैया हमने बोला कि बॉक्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा बाहर, ठीक है, टेंशन लगा अंदर, डब्बा एक ही पाथ पे घूम रहा है, तब से डब्बा एक ही पाथ पे घूम रहा है, दैट मींस कि ना वो बाहर जा रहा है ना वो अंदर जा रहा है, दैट मींस जितना फोर्स उधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है। तो टी इक्वल्स टू एफ सी एफ कर दिया, दैट इज टी इक्वल्स टू 25 न्यूटन। कल बच्चों का 25 न्यूटन ही आंसर आया था इसका, ठीक है। तो कैसे सेंट्रीफ्यूगल का यूज करने में आगे और बताऊंगा, पर अभी के लिए इतना बताओ कि क्या ये समझ आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सभी को समझ आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? देखो अगर समझ आया तो जल्दी से वहां पे हाँ लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ आया सभी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में? चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, और अब जो मेन जो मैंने बताया था तुम लोगों को हमारे टॉपिक के बारे में, दैट इज सर्कुलर टर्निंग ऑन अ रोड। कोई भी गाड़ी बच्चों, कोई भी गाड़ी हो, जब वो किसी टर्न पे जाती है तो क्या वो एक सर्कुलर आर्क पे जाती है? कोई भी गाड़ी, तुम किसी भी कार की बात करो, जब वो सर्कुलर टर्न करती है तो क्या वो एक सर्कुलर आर्क पे मूव कर रही है? क्या वो सर्कुलर मोशन कर रही है? ऑफ कोर्स सर वो सर्कुलर मोशन कर रही है। तो बच्चों जब जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न पे जाएगी तो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, तो यहां पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगना चाहिए, फिर तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगा। तो हम देखेंगे कि कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है उस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। सो यहां पे हम क्या देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, तो उसके लिए क्या करें फिर? तो उसके लिए हम कंडीशंस देखेंगे आगे, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे पहले कंडीशन में फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं, ठीक है। बताऊंगा यार, सस्पेंस खत्म नहीं करेंगे अभी, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, दैट मीन्स एक सर्कुलर मोशन करेगा, दैट मीन्स उस टाइम पे उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगेंगे, दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर जो काम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो कौन से फोर्सेस होंगे, सो लेट्स सी बच्चों। सो ड्यूरिंग द सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, हमेशा हमेशा यार, हमने क्या कहा, जब जब सर्कुलर मोशन आएगा तब तब सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, सर्कुलर आएगा तो सेंट्रीपिटल आएगा, सेंट्रीपिटल के बिना सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर के बिना सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो भैया दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो दोनों को पूरा करने के लिए दोनों को साथ में होना पड़ेगा। सो हमने कहा कि जो सर्कुलर टर्निंग है, सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा। तो यहां पे हम तीन केसेस पढ़ते हैं कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है या कौन कौन काम करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चों सबसे पहला तो फ्रिक्शन भैया है हमारे पास, फ्रिक्शन काम करते हैं यहाँ पे एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स की, सबसे पहले फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे फ्रिक्शन भैया फेल हो जाते हैं, तो फिर हमें करना पड़ता है बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है सर, बैंकिंग ऑफ रोड में अगर तुम हाईवे पे जाते हो या तुमने स्पोर्ट्स कार की रेसिंग देखी होगी, तो तुमने देखा होगा टर्न के टाइम पे जो सड़क होती है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, टर्न के टाइम पे जो सीधी सड़क होती है उसको क्या करते हैं, टेढ़ा कर देते, ठीक है। तो वो टेढ़ा कर दिया उसको हमने सड़क को, तो उसको क्या किया, एक स्लैंट हाइट प्रोवाइड कर दी, उसको इंक्लाइन कर दिया हमने, उससे इंक्लाइन कर दिया, तो वही चीज होती है बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, समझ आया। तो हमने क्या कहा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था हमें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए सबसे पहले फ्रिक्शन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं बनूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम मैं कर दूंगा अच्छे से, लेकिन कुछ जगहों पर फ्रिक्शन भैया फेल हो गए, तो फिर हमें क्या करना पड़ा, बैंकिंग ऑफ रोड करनी पड़ी, ओके। लेकिन रियल लाइफ में जो हमारी रोड होती है या जो सड़क होती है वो रफ होती है, तो अकेला फ्रिक्शन या अकेला बैंकिंग नहीं लगता, क्या होता है उस केस में सर, उस केस में फ्रिक्शन भी लगता है, उस केस में बैंकिंग भी होती है, तो तब कैसे सिनेरियो होगा वो भी हम आज देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले फ्रिक्शन से। तो बच्चों हमने कहा जब जब गाड़ी या कोई कार या फिर कोई व्हीकल किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है, सच दैट वो सर्कुलर पाथ कैसा, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अरे गाड़ी हॉरिजॉन्टल सर्कल पे चलेगी ना, वर्टिकल पे ऐसे गाड़ी चलती है क्या, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी क्या गाड़ी, ऐसे घुमाओगे गाड़ी को कि ऐसे हॉरिजॉन्टल में घुमाओगे गाड़ी को, सर हम गाड़ी को तो हॉरिजॉन्टल में घुमा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब जब गाड़ी ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करती है, तो उस टाइम पे इसके ऊपर जो नेसेसरी, फिर कहूं जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स था। अब देखो सारी गाड़ियां यहां पे क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, और वी ऑल नो दैट सर्कुलर मोशन आएगा तो सेंट्रीपिटल आएगा, तो भैया सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल तो चाहिए हम लोगों को, तो ये सेंट्रीपिटल कौन लाएगा, ये सेंट्रीपिटल का काम कौन करेगा, तो फ्रिक्शन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो लगा दो फ्रिक्शन को यहां पे। तो यहां पे बच्चों ऐसे केसेस में जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है, तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल का काम होता है वो कौन करता है, फ्रिक्शन करता है। तो कैसे, तो फिर यहां पे हम क्या फाइंड करें सर, तो यहां पे बच्चों हमें फाइंड करना होता है कि मिनिमम कितनी स्पीड से चले, या फिर मैक्सिमम कितनी स्पीड से, यहां पे हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम हम कितनी स्पीड से चलें कि सर्कल को बिना स्किडिंग के, स्किडिंग समझ दो गाड़ी खिसक जाती ना, बिना स्किडिंग के हम सर्कल को कंप्लीट करें, ठीक है। मतलब कि सिनेरियो क्या है, वी वॉन्ट कि जो सर्कल में गाड़ी घूम रही है हमें वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, जिसपे बच्चों ये बिना किसी स्किडिंग के सेफ टर्न कर सके, बिना किसी स्किडिंग के सेफ टर्न कर सके। अच्छा ठीक है सर, समझ गए, कर लेंगे। तो क्या करें बच्चों ऐसे केस में, तो ऐसे केसेस में हमने कहा कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हमारी, सेंट्रीपिटल की। तो हमने क्या कहा कि सर फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो ठीक है फ्रिक्शन को लगा दो यहां पे। लो भाई फ्रिक्शन को लगा देते हैं, तो गाड़ी के ऊपर ये रहा सेंटर, गाड़ी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां, अंदर की तरफ FCP, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां, अंदर की तरफ FCP। और अब थोड़ा सा आसान करते हैं, या तो चलो पहले सेंट्रीपिटल से कराता हूं फिर तुम्हें सेंट्रीफ्यूगल से बताऊंगा, काफी डिफरेंस दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है। मान लेते हैं कुछ चीजें माननी पड़ेगी, लेट मास ऑफ कार जो होगा वो m है, ठीक है, m kg की कोई कार है, स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, v। और लेट से बच्चों ये जो सर्कुलर पाथ पे जो कार चल रही है, ये कार जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, दैट कम्स आउट टू बी r, ठीक है।
ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? सर कार का मास m है, कार की स्पीड v है, और जिस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा था उसका रेडियस r है। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो गाड़ी क्या होगी, बाहर जाएगी। जब हम सर्कल पे घूमते हैं तो हम बाहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो गाड़ी पे सेंट्री जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इधर लगेगा, और क्या यही फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स? तो वही चीज बोली भैया, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स था ये काम करेगा mv2r एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नाउ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू इंटू एम जी फॉर सेफ टर्निंग विदाउट स्किडिंग। हम क्या चाहते हैं? सेफ टर्निंग हो, स्किडिंग ना हो, गाड़ी इधर उधर ना जाए, जैसे घूम रही है वैसे घूमती रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कहा भैया, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज लेस देन इक्वल्स टू एम फ्रिक्शनल फोर्स। जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, बाहर चल जाएगी गाड़ी, ठीक है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू, जो फ्रिक्शन अंदर लग रहा है वो ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, गाड़ी घूमती घूमती बाहर चल जाएगी, वो सेफ नहीं है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, सर गाड़ी सेफ नहीं है, गाड़ी बाहर जा रही है, मैट मीन्स एक्सीडेंट हो सकता है। हम क्या चाहते हैं? सेफ। भैया जितने जिस सर्कल पर घूम रही है उसी पर घूमती रहे, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि mv2r शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम कितना था बच्चों? म्यू एम जी कर दिया। तो यहां से v की जो वैल्यू आती है दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो यहां से v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। सो हियर वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कार, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द कार। मतलब क्या है? मतलब ये है सर कि हमें इतनी मैक्सिमम इतनी स्पीड से हम चला सकते हैं गाड़ी को जिससे कि हमारी गाड़ी सेफली टर्न कर सके। समझ आया? क्लियर सभी को? तो सर ये कैसे हुआ, मतलब आपने यहां पे काम किए सब, तो ये हमने फील किया, ये हमने सोचा कि यार यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो ये दिस इज द वैल्यू। तो वी मैक्स याद रखो बच्चों, वी मैक्स इज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। लेकिन ये कब है? जब सिर्फ फ्रिक्शन काम करेगा, जब सिर्फ फ्रिक्शन, ओनली फ्रिक्शन विल वर्क, तो उस टाइम पे हम फॉर्मूला लगाएंगे वी मैक्स इक्वल्स टू म्यू आर जी। समझ आया सभी को? चमका क्या है सभी को? क्या किया हम लोगों ने? अच्छा फिर सर सेंट्रीफ्यूगल से बताओ जरा, सेंट्रीफ्यूगल से आपने कहा था आसान हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल से, तो मुझे सेंट्रीफ्यूगल से बताओ फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो जरा एक बार ध्यान देना सभी बच्चे कि सेंट्रीफ्यूगल से मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। ये जो सोचने वाली चीजें हो रही है ना यहाँ पे, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हटा दूं इसको, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, और इसको मैं जरा सेंट्रीफ्यूगल से फील कराता हूं तुम सभी बच्चों को। एक बार फील करा दिया तो उसके बाद बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद कर लोगे। चलो तो आ जाओ फिर डायग्राम पे। चलो तो हमने क्या कहा कि बच्चों गाड़ी है, कलर चेंज कर दूं जरा, कलर चेंज कर लेते इसका, ठीक है, येलो से कर देते। ओके सो वी हैव अ कार जिसका पाथ कहां था, दिस इज द पाथ ऑफ द कार, और इसका जो रेडियस था दैट कम्स आउट टू बी आर, इसकी जो स्पीड थी दैट गोज आउट टू बी वी, इसका जो मास था वो कितना था एम। क्लियर? ओके ठीक है सर, समझ गए। अब क्या होगा बच्चों, जब ये गाड़ी सर्कल में घूमेगी, तो मैंने क्या कहा कि इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि बाहर की तरफ होगा। इसके ऊपर क्या हुआ, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। मैंने क्या कहा था, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, एक सूडो फोर्स होता है। हम गाड़ी के अंदर जा चुके सर, हम कहां जा चुके, गाड़ी के अंदर, जो कि एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, हमने एक्सेलरेटिंग फ्रेम से इसको देखा तो हमें दिखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गया इसके ऊपर, ठीक है। तो बच्चों देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है, जो इस गाड़ी को बाहर की तरफ, अरे यार देखो यार, हमने बोला ना हम किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आते हैं तो हमें लगता है बाहर की तरफ आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, मतलब कोई हमें बाहर खींच रहा है, ऐसा होता नहीं एक्चुअली, हमें फील होता है सर। तो फील होता है तो हमने बोला भैया कोई हमें बाहर खींच रहा है, और हमें बाहर खींचने वाला कौन था, कोई नहीं, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सर ये गाड़ी को बाहर खींचेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो गाड़ी के टायर्स के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। ये तो क्लियर, ये तो समझ आ गया ना सभी को? क्या तुम्हें समझ आया फ्रिक्शन अंदर ही क्यों लग रहा है? बिकॉज सर ये गाड़ी को बाहर खींच रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फ्रिक्शन कहां लगा, अंदर। समझ आया? अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। अब हम क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं सेफ टर्न, वी आर व्हाट एक्सपेक्टिंग फॉर द सेफ टर्न,
कि सर जो गाड़ी है वो इस पाथ पे ही चले, इस सड़क से ना अंदर जाए ना वो बाहर आए। सेफ टर्न का मतलब सिर्फ सड़क सड़क पे चले, ठीक है। तो बच्चों हम चाहते हैं गाड़ी सड़क पे चले, मतलब वो इसी पाथ पे फॉलो करे, दैट मीन्स जितना फोर्स बाहर लगेगा उतना फोर्स अगर इस पे अंदर लगा दें तो क्या सेफ टर्न करेगी। या फिर ऐसे देख लो कि सर अगर बाहर लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल है ना, अरे यार एफ सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल्स टू अगेन एम बी स्क्वायर बाय आर, चमका क्या सर, हाँ ये तो चमक गया, एम बी स्क्वायर बाय आर आता है, यही आता है। अच्छा सोचो बच्चों अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाता इससे तो क्या गाड़ी बाहर चल जाती, अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाता इससे तो गाड़ी बाहर चल जाती। हाँ सर सही बात बोले, गाड़ी बाहर चल जाती और एक्सीडेंट हो जाता, गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती, ठीक है। तो फॉर द सेफ टर्न हम चाहते हैं कि जो अंदर लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा हो इससे या फिर इसके बराबर हो। फैक्ट है सर गाड़ी घूमेगी तो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, ये सबने एक्सपीरियंस किया है कि गाड़ी जब भी घूमती है बाहर जाने की कोशिश करती है, तो बाहर लेके जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों जब गाड़ी घूमेगी तो बाहर जाएगी, तो बाहर जाने से रोकना है तो अंदर वाला फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, यही कि अंदर वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए, या तो ज्यादा हो या तो इसके बराबर हो, तो दोनों केस में हमारे पास क्या होगा सेफ टर्न हो जाएगा। मैन मीन्स क्या है, मीन्स जिस सड़क पे चल रही थी उसी सड़क पे चलेगी, ठीक है, एक्सीडेंट नहीं होगा, स्किडिंग नहीं होगी, गाड़ी बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। ओके सो एम बी स्क्वायर बाय आर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एफ मैक्स। अब आगे तो पूरा वही सिनेरियो है, दिस इज द वैल्यू और यहां से भी वी मैक्स कितना आता है अंडर रूट ऑफ म्यू आर। चमका क्या सभी को, क्या होता है यहां पे, क्या हुआ, कैसे किया हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके, शायद वो थोड़ी सी चीज क्लियर हो गई कि हाँ सर ठीक है बाहर लगने वाला फोर्स, बाहर कौन खींच रहा था, सेंट्रीफ्यूगल खींच रहा था, तो बाहर खींच रहा था तो हमें सेंट्रीफ्यूगल से ज्यादा बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल से बड़ा फोर्स लगा दिया हमने, दैट इज द सभी को चमका। तो इस केस में मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, सम यू आर जी, म्यू आर जी, दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा, कैसे भी कर लेते हैं। सो यहां पे म्यू आर जी इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड कब, जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा और सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कौन करेगा, फ्रिक्शन करेगा, ठीक है। ठीक है सर क्वेश्चन कैसे आएगा बताओ जरा। सो हैव यू हैव अ क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन तुम बच्चों के लिए जल्दी से सॉल्व करना, अ बेंड इन अ लेवल रोड, लेवल रोड है मतलब बच्चों सर सीधी सीधी सी रोड है ये, गोल वाली, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है। अ बेंड इन अ लेवल रोड हैज अ रेडियस ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर की रेडियस है उसकी, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड। अरे यार सिंपल सा काम है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, यहाँ पे कर दो सभी बच्चे, क्या बोल रखा है भैया, ये दे रखी है 100 मीटर और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करनी है, वी मैक्स कितना होगा, ठीक है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.8 है, खत्म काम, सिंपल सा वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, म्यू कितना है अंडर रूट ऑफ 0.8, आर कितना है 100 और जी कितना होता है 10 होता है, इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 800 या फिर ऐसे 10 इंटू रूट 8, रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 रूट 2, इट कम्स आउट टू 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड, रूट 2 को 1.4 लिख दो तो यहां से 28 भी आएगा आंसर, ठीक है, रूट 2 को 1.4 भी लिख सकते हो, तो आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है तो कैसे क्वेश्चन करना है, सिंपल से सवाल है, ऐसे ही आएगा, फ्रिक्शन का वो बस कॉन्सेप्ट याद रखो कि जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तो गाड़ी सेफ टर्न करेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, तो अब क्या हो गया कि सर ये तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है फ्रिक्शन की वजह से कैसे काम हो रहा था ये हमें समझ आ चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर बच्चों कुछ जगहों पर फ्रिक्शन फेल हो जाता है। अब वो कुछ जगह कौन सी जितनी, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं शार्प टर्न्स पे, शार्प टर्न समझते हो, जैसे वो पहाड़ों पे होता है एकदम घुमावदार टर्न, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इतना शार्प टर्न होता है कि तुम्हारे पास फ्रिक्शन इतना इफेक्टिवली नहीं लग पाता, एम वी स्क्वायर बाय आर, आर की वैल्यू क्या होती है, शार्प टर्न है, आर छोटा हो गया, दैट मीन्स फ्रिक्शन जो सुडो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, मतलब बाहर जो लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द अंदर वाला फोर्स, तो फ्रिक्शन फेल हो गया यहाँ पे, फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है ना, सिर्फ फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है,
उससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो भैया फ्रिक्शन फेल हो जाएगा, तो यहां पे फ्रिक्शन फेल हो गया। या फिर फॉर्मूले के कंसेप्ट से देखा जाए तो एमवी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं यहां पे, एक मिनट, अगर मैं यहां पे एमवी स्क्वायर बाय आर वाले फॉर्मूला का यूज करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स की तो एक लिमिट है, इसके पास एक लिमिट है, इससे आगे ये नहीं जा सकता। लेकिन अगर आर को मैं छोटा कर दूं तो ये वाला जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल ये बढ़ जाएगा, या फिर मैं हायर स्पीड से चल रहा हूं तो भी ये बढ़ जाएगा। इसकी तो लिमिट थी, अगर ये लिमिट से ज्यादा हो गया तो पक्का स्कीडिंग होगी, पक्का है एक्सीडेंट होगा, पक्का है सेफ टर्न नहीं है वो, तो क्या करें फिर से? ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं, मतलब अब तो फंस गए हम लोग। तो ऐसे चीजों को बचाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब जब हम हायर टर्न्स पे जाएंगे या जब जब हम हायर स्पीड से टर्न करेंगे, वहां पे तुम देखोगे कि जो सड़क होती है उसको बेंड कर दिया जाता है, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, यहां पे बच्चों हमने सड़क को क्या कर दिया, बेंड कर दिया, ठीक है। और चलो तो हमने क्या किया, सड़क को ही बेंड कर दिया सर, सड़क को हमने बेंड कर दिया एट एन एंगल, सम एंगल थीटा पे। सो दिस इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड, इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, यहां लिख दो बैंकिंग ऑफ रोड, दिस इज नोन एज द बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब सर जब फ्रिक्शन फेल हो जाता था, जब जब फ्रिक्शन फेल हो जाता था तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, सड़क को, सड़क कैसी होती है, सीधी सीधी सड़क होती है, ठीक है, सड़क कैसी होती है, सीधी होती है, तो सड़क को एक तरफ से उठा दिया, क्या किया हमने, सड़क थी, सड़क को एक तरफ से उठा दिया एट एन एंगल थीटा पे। सो ये जो प्रोसेस था दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। चलो भाई, तो मतलब जहां पे ज्यादा स्पीड होगी, जहां पे छोटा सा टर्न होगा, शार्प टर्न होगा या फिर ज्यादा स्पीड होगी, वहां पे फ्रिक्शन फेल हो गया, तो वहां पे फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमने यूज किया बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो कैसे सर बैंकिंग ऑफ रोड काम आएगा हमारे, सो लेट्स सी बच्चों। सो हियर वी हैव अ डायग्राम जिसमें तुम देख रहे हो कि एक रोड थी जिसको मैंने थीटा एंगल से ऊपर उठा दिया, उसके ऊपर गाड़ी लगी थी, ठीक है। तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी, अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड कि कितनी स्पीड से हम उस रोड पे से गाड़ी को निकाल सकते हैं फॉर द सेफ टर्न। हर केस में वी आर गोइंग टू फाइंड कि कितनी स्पीड से हम गाड़ी को वहां से निकाल सकते हैं फॉर द सेफ टर्न, ओके। तो बच्चों यहां पे देखते हैं जरा, हाँ तो क्या कहा मैंने कि सर एक गाड़ी थी, एक मिनट, एक गाड़ी थी मेरे पास, ये थीटा एंगल पे थी, इस गाड़ी पे देखा गया तो फोर्स नीचे लग रहा था mg, दिखता है सभी को mg, यहां लग रहा था नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों कि हमने fbd बनाया इसका, बिकॉज फर्स्ट काम, सबसे पहला काम जो हमारा होगा दैट इज अबाउट कि हम fbd बना ले, fbd बनाते कोई बड़ी बात थोड़ी, mg नीचे लगा दिया था, नॉर्मल इधर लगा दिया था, एक mg sin थीटा इधर भी लगा थे और एक mg cos थीटा इधर लगाते थे। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें निकालनी थी वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी कहां से आनी थी, सेंट्रीपिटल वाले फॉर्म से या फिर सेंट्रीफ्यूगल से, एम वी स्क्वायर बाय आर। सर सेंटर की तरफ ना इनमें से कोई सा फोर्स नहीं लग रहा था, ना एम जी साइन थीटा सेंट, अरे यार बच्चों गाड़ी कैसे घूमेगी, गाड़ी ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी, ऐसे गोल गोल घूमेगी, दैट मीन्स इसका जो रेडियस होगा वो किससे अलॉन्ग होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स रेडियस, सॉरी यानी ये इसकी रेडियस की डायरेक्शन होगी, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स रेडियस। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा रेडियस के लॉन्ग होता है, मतलब mg sin थीटा भी रेडियस के लॉन्ग नहीं था, ना नॉर्मल था, ना mg cos थीटा था, ना mg था, तो सर यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ऐसे fbd बनाने का, कोई मतलब कहाँ हुआ फिर, mg sin थीटा इधर, mg कोई वर्थ ही नहीं है सर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस नॉर्मल के कॉम्पोनेंट करते हैं, ठीक है, सच दैट अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। चलिए तो सर ठीक है, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, फिर ये अगेन 90 माइनस थीटा, तो फिर से कितना थीटा, समझ गए, थीटा ये परपेंडिकुलर था 90 माइनस थीटा, फिर ये परपेंडिकुलर था तो ये भी थीटा, फिर ये परपेंडिकुलर था 90 माइनस थीटा, फिर ये भी थीटा, सो इट कम्स आउट टू बी बच्चों एन कॉस थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इसका इधर आएगा दैट इज द एन साइन थीटा। हाँ सर बिल्कुल, अब मुझे अलोंग द रेडियस फोर्स का एक कंपोनेंट दिख चुका है, और मैं अभी ये बोलूंगा कि ये जो वो फोर्स है ये काम करेगा सेंट्रीपिटल,
क्या हमें सेंट्रीपिटल का काम करने के लिए कोई फोर्स मिल चुका है? अरे फ्रिक्शन तो फेल हो गया ना, फ्रिक्शन खत्म, फ्रिक्शन के बस की बात ही नहीं थी अब यहां पे। यहां पे हमने फिर क्या किया, सड़क को ऊपर उठा दिया, सच दैट नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर और काम करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सो देखते कैसे करेगा, ठीक है? तो सर देखो, एन साइन थीटा जो है वो काम कर रहा है सेंट्रीपिटल का। अब क्योंकि गाड़ी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होगी तो एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एमजी के, एन कॉस थीटा एमजी के बराबर हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दी, ये इक्वेशन नंबर टू बोल दी। यहां मैंने वन इक्वेशन वन डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर टू कर दिया, तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा, साइन से कॉस टेन बनता है, एन से एन कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर डिवाइड बाय एम जी, एम से एम मर गया, सो इट कम्स आउट टू बी वी स्क्वायर बाय आर जी। ये काम की चीज है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां से वेलोसिटी जो आती है वो आती है अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। क्या सिमिलर है, कुछ क्या सिमिलर है, फ्रिक्शन में टेन थीटा की जगह क्या था, म्यू था, बिकॉज वहां फ्रिक्शन था तो वहां कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा। यहां पे एंगल है तो क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। सिमिलर करके पढ़ो उसको, कंपेयर करके पढ़ो, आसान हो जाएगा। सो फॉर्मूला वही है, बस यहां पे फ्रिक्शन नहीं था तो टेन थीटा पुट कर दिया, फ्रिक्शन होगा तो म्यू आ जाएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है? तो भैया कितनी स्पीड से घुमानी पड़ेगी गाड़ी को यहां पे, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से। साथ में देखा जाए तो अगर मैं इस हाइट को एच ले लूं और इस विड्थ को बी ले लूं, सो बच्चों टेन थीटा हो जाएगा एच अपॉन बी, टेन थीटा कितना हो जाएगा एच अपॉन बी, ठीक है? तो यहां से मैं एक चीज और बोल सकता हूं, दैट टेन थीटा वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू एच अपॉन बी। ये कब काम आएगा सर, ये तब तब काम आएगा जब जब तुम्हें ये वाली डिस्टेंस दे रखी होगी और इनमें से कुछ फाइंड करने के लिए बोला होगा, ठीक है? समझ आता है सभी को, क्लियर सभी को, कैसे करना है? तो क्वेश्चन करोगे इस पे, फिर क्या किया हमने सर, कुछ नहीं किया, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट हमारे काम नहीं आ रहे थे, mg cos थीटा भी काम नहीं आ रहा था, तो इस बार हमने कुछ बदलाव करे, और बदलाव क्या करे हमने सर, नॉर्मल के कंपोनेंट लिए हमने सर, इस नॉर्मल के कंपोनेंट ले लिए, इट कम्स आउट बी थीटा, तो ये बन गया n cos थीटा, इट कम्स आउट बी n sin थीटा, और यहां पे n sin थीटा लग रहा था सेंटर की तरफ, और कैसे करेंगे इसको सर, सूडो फोर्स लग रहा बाहर, या तो ऐसे देख लो, या तो देखो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि n sin थीटा काम करेगा सेंट्रीपिटल का, या फिर सर गाड़ी के ऊपर सूडो फोर्स लग रहा बाहर mv स्क्वायर बाय r। अब गाड़ी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है मतलब जितना अंदर फोर्स उतना बाहर फोर्स, n sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इक्विलिब्रियम में है यानी जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, n cos थीटा बराबर mg। अभी इक्विलिब्रियम में मतलब सर, इक्विलिब्रियम मतलब जिस पाथ पे है उसी पाथ पे घूम रही है, ना वो आगे जा रही है ना वो पीछे जा रही है। समझ आई बात को, समझ आया चीज तुम लोगों को? तो एक क्वेश्चन करो बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन कर दो जल्दी से। आ सर्कुलर ट्रैक है बच्चों, एक सर्कुलर ट्रैक है, दिख रहा है सभी को, गाड़ी घूम रही है सर्कुलर ट्रैक पे, जिसका रेडियस 600 मीटर है, ठीक है? इसका रेडियस कितना है, 600 मीटर है। इट इज टू बी डिजाइन फॉर कार एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर। ये ट्रैक किसके लिए डिजाइन किया है, ये ट्रैक उन कार्स के लिए डिजाइन किया है जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। What should be the angle? Banking angle बताओ बच्चों कितना होगा, थीटा बताना है हमें कितना होगा, जल्दी से बता दो कितना होगा। क्या सभी को समझ आए? हाँ, तो क्या कहा गया भैया, हमसे कहा गया कि सर एक रेडियस था जिसका 600, डाटा देखते थे, ठीक है? So, R gives out to be 600 meter और एवरेज V स्पीड दे रखी है बच्चों 180 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सर नहीं, इससे मन नहीं भरता हमारा, ऊपर तो मीटर दे रखा है, नीचे किलोमीटर दे रखा है, कंफ्यूज कर रहा है ये तो कोई बात नहीं यार, 0.5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। समका गया सभी को, 50 मीटर पर सेकेंड और ऊपर 600 मीटर। अच्छा, तो वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, देखो फॉर्मूला वही है, जहां पे बैंकिंग हो जाए वहां एंगल बोल देना, जहां फ्रिक्शन हो वहां म्यू बोल देना, ठीक है? V इक्वल्स टू आर जी, सर बैंकिंग का केस है टेन थीटा, V स्क्वायर करना जरा बच्चों, V का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कितना 600, जी 10 है इंटू टेन थीटा। ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं वैल्यू को यहां से और सीधा सीधा यहां 50 मीटर पर सेकंड लिख देता हूं।
इसको सॉल्व करो, बनेगा 2500 इज इक्वल टू 6000 टेन थीटा, एक दो एक दो, 5 5 25 12 5 60, तो बच्चों टेन थीटा कम्स आउट टू बी 5/12, सो थीटा कम्स आउट टू बी टेन इनवर्स 5/12. हाँ, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, और हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन में टेन इनवर्स 5/12 की वैल्यू भी दे रखी हो, ठीक है, ये कुछ 26 के ऐसे कुछ वैल्यू आती है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में उसकी वैल्यू गिवन है या नहीं, ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है. अच्छा, मतलब सर फ्रिक्शन होगा तो हम पता कर सकते हैं कैसे, सर जितना फोर्स बाहर लग रहा है उतना फोर्स अंदर लग रहा है, दोनों को बैलेंस कर देंगे, खत्म काम. क्या क्या बाहर लग रहा था फोर्स सेंट्रीफ्यूगल वाला, अंदर लग रहा था जो भी रिक्वायर्ड फोर्स, ठीक है, दोनों को बैलेंस करो, काम काम करो. इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पढ़ाया मैंने, नहीं तो क्या करते थे, अच्छा ये वाला फोर्स अंदर लग रहा है, अंदर लग रहा है, दैट मीन्स अच्छा ये काम करेगा एज सेंट्रीपिटल, काम करेगा एज सेंट्रीपिटल. लो कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो यार, सिंपल बोलो भैया इतना फोर्स बाहर लग रहा है इतना फोर्स अंदर लग रहा है, दोनों को बैलेंस कर दो, खत्म काम. समझ आया, क्या मजा आया आज के सेशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें समझ आया कि फ्रिक्शन कब यूज करना है, जब सर हॉरिजॉन्टल सर्कल पे गाड़ी घूमेगी तो फ्रिक्शन का यूज करेंगे, फिर सर जहां पे हायर स्पीड हो जाती है और जहां पे छोटे टर्न आते हैं वहां पे फ्रिक्शन फेल हो जाता है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ा, हमने सर सड़क को ऊपर उठा दिया वहां से, दैट इज कॉल्ड द बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है. तो हम क्या करते हैं सर उसको उठा देते हैं एट एन एंगल थीटा, तो कभी हमसे थीटा पूछ लेगा, कभी हमसे वी पूछ लेगा, कभी हमसे आर पूछ लेगा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है. अब कल जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द थर्ड केस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मजेदार है, जिसमें कि फ्रिक्शन भी लगेगा और बैंकिंग भी होगी, ठीक है. तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, आज के सेशन को हम यही खत्म करेंगे, ठीक है. क्वेश्चंस करते रहो यार, शेयर करते रहो वीडियो को, लाइक करो, मजा आया पढ़ने में, तो ठीक है, कल मिलेंगे फिर से इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर.